नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश गालव रामगढ़ क्ले पॉटरी से मास्टर क्राफ्टमैन टेराकोटा पॉटरी। आप सभी का किरण नदर म्यूजियम ऑफ आर्ट की ओर से इस पॉटरी सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको रामगढ़ की जो माटी कला है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारे रामगढ़ की जो माटी कला है यह वर्षों पुरानी है और हमारी करीब 15वीं पीढ़ी है जिसने इसे बरकरार रखा है और इसमें नए नए आयाम स्थापित किए हैं। मिट्टी की जो कलाकृतियाँ बनती हैं उनको राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। इसी के साथ साथ नित नई कलाकृतियाँ बनाना हमारे परिवार का मुख्य व्यवसाय भी है और इसमें जो कलाकृतियाँ बनती हैं उसका विपणन भी किया जाता है। इस सीरीज़ में हम आपको पॉटरी के बारे में किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उन्हें पकाते हैं, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। इस सीरीज़ के 4 भाग होंगे जिसमें आज ये पहली सीरीज़ है। इसके अंदर हमारी जो रामगढ़ पॉटरी है इसका परिचय और यह कला बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार होती है उसका प्रोसेस आपको दिखाएंगे। दूसरी सीरीज जो होगी उसके अंदर आपको हम चाक पर किस प्रकार से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं वो हम दिखाएंगे। तीसरी सीरीज़ में जो कलाकृतियाँ बनती हैं उनकी फिनिशिंग कैसे की जाती है, जो शाइनिंग आप हमारे उत्पादों पे देखते हैं, पॉटरी के उत्पादों पे देखते हैं, वो शाइनिंग किस प्रकार से आती है, वह प्रोसेस बर्निशिंग कहलाता है, उसका प्रोसेस भी हम आपको तीसरी सीरीज़ में दिखाएंगे। इसके साथ साथ कुछ हैंड बिल्ड वाली कलाकृतियाँ बनाना भी हम आपको चौथी सीरीज़ में एवं उसी के साथ साथ इन कलाकृतियों को बनने के बाद जब भट्टी में किस प्रकार से पकाया जाता है, कितनी देर भट्टी में रखा जाता है, किस तरह से ये पकाई जाती हैं, उसकी जानकारी भी आपको हम इस सीरीज़ में देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की पहली सीरीज़ का पॉटरी के लिए जो क्ले प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत से। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानसून से पहले जो आसपास के हमारे तालाब हैं उनमें से और कुछ ही खेतों में से मिट्टी खोदकर अपने यहाँ स्टोरेज कर लेते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमें हमारा कच्चा माल मिल जाता है, दूसरा तालाबों में खुदाई होने से उसकी गहराई बढ़ जाती है जिससे बारिश के अंदर जो पानी बरसता है वह उन तालाबों में इकट्ठा होता है, इससे जल स्तर भी ऊपर उठता है और पर्यावरण को फ़ायदा मिलता है। इसके बाद उसे धूप में सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसे बारीक डंडे से कूटते हैं। कूटने के बाद में जब उसमें से छलनी से हम लोग कुछ पाउडर पहले निकाल लेते हैं, शेष जो बची हुई मोटी मिट्टी है उसका हम पानी मिलाकर पतला घोल बनाते हैं। उस घोल को बारीक छलनी या कपड़े की सहायता से हम उसको छानकर धूप में करीब 10 से 15 दिन के लिए फैला देते हैं। जब उसका पानी धूप में कुछ उड़ जाता है, कुछ मिट्टी सोख लेती है, तो उसके बाद में वह मिट्टी कुछ सख्त हो जाती है, वह हमारे काम करने के लिए हम उसे स्टोरेज करने के लिए एक प्लास्टिक की शीट में पैक कर रख देते हैं। और यह करीब हमारे 1.5 से 2 महीने पुरानी मिट्टी रखी होती है जिसको हम निरंतर काम में लेते हैं। इस तैयार की हुई मिट्टी में से हम कुछ मिट्टी निकालते हैं। इस मिट्टी को निकालने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से लोच लगाते हैं और इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं या कुछ थोड़े बहुत तिनके वगैरह रह गए उनको भी हम निकालते हैं। जनरली हमारी मिट्टी के अंदर तिनके वगैरह नहीं रहते हैं क्योंकि हम उसको तैयार करते टाइम बहुत सावधानी बरतते हैं। उसके बाद हम इसको हाथ से इस तरह से तैयार करते हैं। अपने हाथों का प्रेशर डालकर हम उसे पूरी तरह से लोच देते हैं और इसमें जो हवा कहीं पे रह गई है उसको हम बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया हम कई बार दोहराते हैं, इससे हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा स्मूथ एवं लचीली हो जाती है जिससे पॉटरी बनाने में बहुत आसानी होती है। अब यह मिट्टी का गोला बनाकर हम तैयार कर लेते हैं जिससे हम चाक पर कलाकृतियाँ बनाएंगे। यह मिट्टी का गोला तैयार है, अब हम चाक पर इसे लेके चलेंगे, वहाँ कलाकृतियाँ बनाएंगे। जब हमारा गोला तैयार हो जाता है तो सबसे पहले हम मिट्टी को चाक पर अटैच करते हैं। उसके लिए चाक पर थोड़ा सा पानी लगा के और हम मिट्टी को इसके बीच में रखने का प्रयास करते हैं और इसे अच्छी तरह से चिपकाते हैं। यह प्रक्रिया अटैचिंग कहलाती है। जब हम मिट्टी को चाक पर चिपका देते हैं उसके बाद हम चाक को चालू करते हैं। चाक चालू करने के बाद में हम इस मिट्टी पर थोड़ा पानी लगाकर और अपने दोनों हाथों का दबाव डालकर इसे एकदम सेंटर में केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया करना
सबसे पहली प्रक्रिया एक तरह से मानी जाती है, क्योंकि जब तक आपकी मिट्टी आप चाक के ऊपर एकदम सेंटर में केंद्रित नहीं करेंगे तब तक आपको कलाकृति बनाना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने दोनों हाथों का प्रेशर लगाकर मिट्टी को बीच में केंद्रित कीजिए और इसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ाइए। आप इसको धीरे धीरे केंद्रित करते हुए ऊपर बढ़ाइए, फिर ऊपर से इसे आप नीचे लेके जाइए बार बार। यह प्रक्रिया आप जब तक दोहराते रहें जब तक आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से इसके बीच में एक तरह से सेंटर में ना घूमने लग जाए। आप देखिए इस तरह से ये मिट्टी सेंटर में घूम रही है। जब तक आपकी मिट्टी एकदम सेंटर में नहीं घूमेगी तब तक आप कोई भी कलाकृति नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएं और इसका निरंतर प्रयास करें। आप मिट्टी सेंटर में है या नहीं इसकी जांच करने के लिए इस तरह से आप अपनी उंगली को एक जगह रोक कर भी देख सकते हैं कि मिट्टी कहीं टच तो नहीं हो रही है। अब देखिए इस तरह से उंगली जब आपकी प्रॉपर चले, मिट्टी अगर जो कहीं भी टच नहीं होती है एक जगह रोकने पे, तो इसका मतलब आपकी मिट्टी एकदम बीच में केंद्रित हो चुकी है। इस तरह से आप जाँच भी सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर जब मैं इसको थोड़ा ऑफ सेंटर रखता हूँ तो मिट्टी देखिए आपकी कहीं पर टच होगी कहीं पर नहीं होगी, इसका मतलब आपकी मिट्टी अभी केंद्रित नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी को अच्छी तरह से केंद्रित करें। जब यह बीच में सेंट्राइज हो जाएगी उसके बाद आप अपनी कलाकृतियां बना सकते हैं। अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे किस तरह से कलाकृतियां चाक पर बनाई जाती हैं और उनकी फिनिशिंग की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।